गाइस अब इसमें पेंटिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। इसके बम्बर में हमने बॉडी पिलर वगैरह भर दिया है। अब इसकी कटाई होगी और वही रगड़ाई होगी और उसके बाद इसको पेंट किया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें बॉडी पिलर भरने के बाद फिर हमने रगड़ दिया था, उसके बाद हमने इसमें पट्टी लगाई है। पट्टी लगाने के बाद में अब इसकी कटाई चल रही है, आप देख सकते हैं। और इधर से भी कटाई हमने कर दी है। अब जो रह गया इसके बाद इस पर अस्तर मारा जाएगा, फिर फाइनल जो है बेस मारा जाएगा और फिर लास्ट में फाइनल पेंट लगेगा। तो बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो में। इसमें मास्किंग हो गई है और मास्किंग इसके अंदर होने के बाद में फिर जो इस पर अस्तर मारा जाएगा। और मास्किंग मैंने आपको हर बार बताया कि बहुत ज़रूरी होती है और इतने तरीके से करी जाए कि पेंट कहीं भी इधर उधर ना जाके ना लगे। तो इस साइड से भी सारी मास्किंग कर दी है, टेप लगा के पूरा प्रॉपर तरीके से इसको ढक दिया जाता है ताकि पेंट मारे तो कहीं से भी इसके ऊपर फुहार ना जाए और किसी को ये भी ना लगे कि गाड़ी पेंट भी हुई है। तो ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते रहेंगे, बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। गाइस ये है टाटा अल्ट्रोस, गाड़ी की शेप बहुत बढ़िया है और लुक से भी देखने में अच्छी लगती है। और इसी गाड़ी का बम्बर पेंट कर रहे हैं। मैंने कहा जब आपको छोटी छोटी वीडियो दिखा रहे हैं तो एक बार पूरी गाड़ी का भी दिखा दें। पहले भी हमने एक गाड़ी अल्ट्रोस पेंट करी थी, उसकी एक साइड थी, और अब जो है ये इसका सिर्फ एक बम्पर ही बम्पर हम पेंट कर रहे हैं और इसकी ये साइड है। तो और भी आपको दिखाते हैं कि अब आगे का प्रोसेस कैसे चालू होगा। तो गाइस ये स्प्रे गन आ चुकी है हमारे राजा जी के हाथ में, जो हमारे पेंटर हैं। और अब थोड़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है तो उसकी आवाज़ जो है आपको भी सुनाई देगी और शायद दे भी रही हो। तो बस इस तरीके से ही आपको सारा काम का प्रोसेस दिखाते रहते हैं। और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है आप लोगों से, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और ये इसमें अस्तर लगना चालू हो चुका है गन से। ऐसे ही इस साइड लग रहा है, फिर उस साइड लगेगा। और जहाँ जहाँ स्क्रैच होते हैं वहीं पे ही पट्टी वगैरह बॉडी पिलर वगैरह सब भरा जाता है, वहीं पे अस्तर मारा जाता है। कई लोग कहते हैं मेरे से कि भाई अगर आप कोई हम पैनल करवाएंगे तो पूरा पेंट उतारोगे, तो पूरा पेंट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ स्क्रैचेज है बस उसी को रफ़ कर दिया जाता है प्रॉपर, ताकि पेंट की पकड़ अच्छी हो जाए और बाकी पूरे जो पूरा पीस है, पूरा बम्पर है या कोई भी डोर है उसके ऊपर कम घिसे हुए रेगमाल से रफ मारा जाता है ताकि पेंट भी ख़राब ना हो और क्लियर मारे तो वो पकड़ भी अच्छी सी हो जाए। तो गाइस इसमें अस्तर मारने के बाद हमने पट्टी लगा के इसमें टकोरे जिसे हम कहते हैं चेक करे हैं। अब उस पट्टी की कटाई हो रही है, ये देख सकते हैं आप, अलग ही दिख रहा है वो जो टक हमने चेक करा है, ये कटाई हो रही है उसकी। और इस साइड भी थोड़ा सा टकोरे मिले हैं, तो जैसे यहाँ पर भी पट्टी लगा रखी है और यहाँ भी लगा रखी है। फिर इसकी कटाई के बाद इसके ऊपर फिर बेस कोट मारा जाएगा और फिर इसमें फाइनल पेंट की तैयारी करी जाएगी। फिर से गाइज हमने अपनी स्प्रे गन दोबारा निकाल ली है पेंट मारने के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि ये अस्तर लगा हुआ था, अब इसके ऊपर फाइनल पेंट मारा जाएगा सीधा, क्योंकि हम सोच रहे थे बेस कोट मारने के लिए, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है इसको हम डायरेक्ट फाइनल में ही कवर कर लेंगे। तो अब ये गन हाथ में आ चुकी है राजा जी के और वो लगे हुए हैं अपना काम करने में। पहले उस साइड मारा जाएगा और फिर उसके बाद हम इस साइड मारेंगे। तो इस साइड रंग लगना चालू हो चुका है, और इधर शोर था इसलिए मैं आने की सोच नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो दिखाना है अपने व्यूअर्स को सब कुछ, तो काम को नज़दीकी से ही दिखाना पड़ेगा। इस साइड भी रंग मारा जा रहा है और उस साइड मार दिया है, एक दो हाथ और इस पर कोटिंग करी जाएगी। जैसे ये पहला हाथ मारा है फिर दूसरा लगेगा, उसके बाद ये कवर अप हो जाएगा पूरा, कि फाइनली इसके अंदर क्लियर का यूज़ किया जाएगा। और पेंट में क्लियर जो है ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जब क्लियर मारते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है। तो गाइस फाइनली पेंट जो हमने इस पर मारा था उसकी कवरिंग हो चुकी है प्रॉपरली,
अब आप देख सकते हैं कि सारा सिस्टम आपको एक जैसा लगेगा, और अब इस पर क्लियर मारा जाएगा, और क्लियर लगने के बाद जो इसमें शाइनिंग आएगी वो देखने को बनती है। तो अब इसमें फाइनली क्लियर लगना चालू हो चुका है, और वही जैसे जैसे क्लियर लगता जाएगा वैसे वैसे शाइनिंग आती जाएगी। अब देख रहे हैं आप कि जिस गन से पेंट मार रहे हैं उस वो गन भी, स्प्रे गन भी हमारी पेंट के क्लियर में दिखने लगी है। तो फाइनल क्लियर लगने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि पूरा बम्पर कैसा लगेगा। तो इस सेट क्लियर लग चुका है, और शाइनिंग आप देख ही सकते हैं बम्पर की और गाड़ी की तकरीबन मैच हो गई है, और चमक भी अच्छी दिखने लगी है। अभी इसमें ये एक हाथ क्लियर लगा है, उसके बाद एक हाथ और मारा जाएगा। अब आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊंगा पेपर हटने के बाद ये बम्पर कैसा दिखता है। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। गाइस फाइनली ये बम्पर तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसकी चमक शाइनिंग सब कुछ ज़बरदस्त लग रही है। तो इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो में सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई, अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।